जयपुर से खबर है, जहां कोटा के संभागीय आयुक्त के ठिकानों पर एसीबी का सर्च अभियान। आयुक्त राजेंद्र विजय के ठिकानों पर सर्च अभियान आज की किया गया। एसीबी की छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। 13 आवासीय भूखंड के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। 2,22,000 की नकदी बरामद की गई है। वहीं 335 ग्राम सोने के आभूषण, 11 किलो 800 ग्राम चांदी बरामद की गई। सर्च के दौरान 3 वाहन मिले हैं और 16 अलग अलग बैंकों में लाखों की नकदी जमा होने की जानकारी मिली। कई बीमा पॉलिसी में राजेंद्र ने निवेश किया है। बैंक लॉकर की तलाश होना अभी बाकी बताया जा रहा है। तो इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने है, जहां पर ये पूरा मामला सामने आया है। और इस दौरान एसीबी के द्वारा अभी तक जिस तरीके से कार्रवाई की गई उसको लेकर के यहां पर तस्वीरें सामने हैं। तो 335 ग्राम सोने के आभूषण और इसमें कई और सामान जो है वो बरामद किया है। सर्च के दौरान जो है 16 अलग अलग बैंकों में लाखों की नकदी जमा होने की जानकारी मिली है। कई बीमा पॉलिसी के जरिए निवेश करने की बात भी सामने आ रही है। बैंक लॉकर की तलाश होना अभी बाकी है, जिसके जरिए और भी ज्यादा खुलासे होंगे। तो आयुक्त राजेंद्र विजय के ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया गया। एसीबी की छापेमारी में करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है और यह माना जा रहा है कि इस दौरान कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। 335 ग्राम सोने के आभूषण, 11 किलो 800 ग्राम चांदी बरामद की गई। सर्च के दौरान आप देख रहे हैं, 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई और ऐसे कई हिस्से रहे जहां पर इसी तरीके से ये कार्रवाई की गई है। दौसा में भी इसी तरीके से छापेमार कार्रवाई की गई है और कोटा में भी ये एक्शन यहां पर देखने को मिला है। तो हालांकि एक जगह पर आवास पर कोई मौजूद नहीं था, तो इसलिए उसको सील कर दिया गया, लेकिन एसीबी सर्च में करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासे की बात जरूर सामने आ रही है। तो ये 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, दौसा में छापेमारी और कोटा में ये कार्रवाई की तस्वीर है, जहां पर एसीबी सर्च में करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। और चलिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अभी क्या पवन जानकारी मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिली हम आपको पवन के पास भी ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको बता दें कि सोमू के पास क्या जानकारी है। सोमू जरा बताइए, इसके बारे में अभी तक क्या जानकारी मिल रही है। देखिए, 4 जगहों पर छापेमारी हुई है, 4 अलग अलग जो ठिकाने हैं उनसे जुड़े हुए, जिनमें दौसा का उनका पैतृक आवास, कोटा में जो उनका कार्यालय है वहां पर, उसके साथ साथ जयपुर में और एक अन्य जगह पर, 4 जगहों पर एसीबी की टीम ने सर्च की कार्रवाई की है और इसमें कई सारे दस्तावेज जो है वह बरामद हुए हैं। खासतौर पर 13 आवासीय जो भूखंड है उनके दस्तावेज मिले हैं एसीबी को, और क्योंकि ये जो पूरा मामला है वह आय से अधिक संपत्ति का है, एसीबी ने अपनी प्रारंभिक जांच में इस बात की पुष्टि कर ली थी कि उन पर यह मुकदमा जो है वो बनता है, ये मामला बनता है, से प्राथमिकी दर्ज करने के बाद यह कार्रवाई पूरी तरह से की गई है। अभी तक क्योंकि अभी जो सर्च अभियान है वो पूरी तरह से चल ही रहा है, इसलिए जो चीजें अब तक मिली है एसीबी ने उसकी जो जानकारी दी है उसके मुताबिक कल अलग अलग बैंकों में करोड़ों रुपए की संपत्ति का पता चला है। जो बैंक लॉकर है उसका खोला जाना अभी शेष है और वो खुलेगा तो उसके बाद कुछ और चीजें भी वहां से बरामद हो सकती हैं। कई सारे ऐसे व्यवसायिक भूखंड हैं जहां पर इनका इन्वेस्टमेंट था, जिनमें जयपुर में सी स्कीम स्थित जो जूडियो का शोरूम है उसमें इनका इन्वेस्टमेंट था, इसकी जानकारी भी दस्तावेजों के हवाले से मिली है। साथ ही साथ कैश में भी 2 लाख से अधिक कैश मिला है उनके पास से, 335 ग्राम सोना और चांदी भी बड़ी मात्रा में बरामद हुई है। क्योंकि एसीबी के पास जो सूचना मिली थी, जब एसीबी ने इसकी पुष्टि की उसके बाद ये कार्रवाई की, ये अभी जो ये सारी डिटेल जो है वो सिर्फ जयपुर के आवास से, जयपुर से जो उनके पास से बरामद चीजें हुई हैं उसकी डिटेल है, अभी बाकी जगहों पर सर्च की कार्रवाई पूरी हुई नहीं है, तो वो जब पूरी होगी तभी ये पता चल पाएगा कि आखिर ये जो करोड़ों की संपत्ति है वो कितने की है और उसके कौन कौन से दस्तावेज एसीबी को अपने उनके हाथ में लगते हैं। क्या और भी ऐसे ठिकाने हैं जहां पर अभी सर्च होना बाकी है सोमू? देखिए बिल्कुल, 4 जगहों पर अभी जो छापेमारी की कार्रवाई है वह हुई है, लेकिन ऐसी और जगहें हो सकती हैं जहां पर, क्योंकि टोंक रोड पे जो कि जयपुर में स्थित है वहां पर भी एक भूखंड का पता चला है, वहां पर भी एक आवासीय मकान का पता चला है,
तो वहां भी कार्रवाई हो सकती है, और वहां से भी अगर एसीपी को कोई ठोस इनपुट मिलते हैं, कोई चीजें मिलती हैं, तो उसके आधार पर यह कार्रवाई जो है और लंबी चल सकती है। अच्छा, एक चीज और भी सुनो कि इस सब के अंदर सर्च में कुछ ऐसी चीज मिली जो कि हैरान करने वाली या चौंकाने वाली हो? देखिए, फिलहाल तो ये बात बहुत साफ है कि आय से अधिक संपत्ति उन्होंने इकट्ठा की थी, और इसको अलग अलग जगहों पर दिखाने के लिए, निवेश के लिए उन्होंने अलग अलग तरीकों का सहारा लिया था, जिसमें कई सारी बीमा पॉलिसी शामिल हैं जहां पे उनको उन्होंने निवेश किया था, ताकि वो जो पूरी रकम है वो एक तरह से अलग अलग जगहों पर खप जाए। उसके साथ ही साथ शोरूम में भी इन्वेस्टमेंट था, जबकि जब ये कार्रवाई शुरू हुई थी तब इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन जो दस्तावेज मिले हैं उसके आधार पर बहुत साफ हुआ है कि सी स्कीम स्थित जो यूडियो का शोरूम है उसमें इनकी भूमिका है, उसमें इनकी जो हिस्सेदारी है वो पूरी तरह से है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोमू इस पर जानकारी देने के लिए। तो सर्च के दौरान 3 वाहन मिले हैं, कई इसमें सामान बरामद किया गया है, और आगे भी इसी तरीके से ठिकानों पर दबिश दी जा सकती है जहां पर सर्च किया जाए।